लास्ट की हमारी जितनी क्लासेस थी हमने उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट डिटेल में देखा था। तो आज जो है हम अपना एडवांस जावास्क्रिप्ट की तरफ शुरू कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट होते क्या है बेसिकली। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट वर्जन आए हैं, ठीक है। किसी एक जो है ना ईयर में एक वर्जन आ रहा था, फिर अगले ईयर में कोई और वर्जन आ रहा था, तो इसलिए कंटिन्यूसली इस तरह डिफरेंट वर्जन जो है जावास्क्रिप्ट के आते रहे, ठीक है। तो जो हमारा अपडेटेड वर्जन था वो 2015 में आया था, ठीक है, जो मतलब सबसे ज्यादा फेमस है 2015 में, जिसका नाम था ECMAScript 6, ठीक है, ES6 जिसको बोलते हैं। तो जितना मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक शायद ये कोई और कंपनी थी जिसने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था, देन उसके बाद इसने ECMAScript नाम की कंपनी को सेल आउट कर दी थी लैंग्वेज की, ठीक है। तो फिर ये उसी के ECMAScript के नाम से ही चलती आई है। तो इसका नाम जो है वो जावास्क्रिप्ट है, बट इसका जो वर्जन आया था 2015 में उसका नाम था ES6, ठीक है, मतलब ECMAScript 6। तो उसके अंदर एडवांस जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स थे जो हम यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी बेनिफिशियल है। और सबसे जो मेन चीज़, जितने भी आगे फ्रेमवर्क्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, लाइक हम रिएक्ट जेएस में काम करते हैं, एंगुलर में, व्यू जेएस में, उसके अलावा नोड जेएस में, इन सारे फ्रेमवर्क्स में अगर आपको ये एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक समझ आ जाते हैं तो ये आपके जो फ्रेमवर्क्स हैं ना वो आपके लिए इजी हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो कि एडवांस जावास्क्रिप्ट अगर आपको अच्छे से समझ आती है ना, ये प्री रेक है फ्रेमवर्क्स का। लाइक हम अपने कोर्स के अंदर रिएक्ट जेएस को करेंगे, अगर आपको ये एडवांस जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझ आती है तो आपकी रिएक्ट जेएस अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट समझ नहीं आती ना तो फिर आपको रिएक्ट जेएस समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें थी जो कि जावास्क्रिप्ट से एडवांस लेवल की आई थी, मतलब हम कुछ अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ कि हम कोई भी स्ट्रिंग लेना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ कुछ इस तरह से, कंसोल डॉट लॉग हेलो हेलो वर्ल्ड, हेलो कह देता हूँ, ठीक है। तो हम ज़रा इसको देख लेते हैं, तो हमारे कंसोल के अंदर जो है ना ये शो हो जाएगा। अच्छा जी, हम इसे कंसोल में आ जाते हैं। तो ये देखो कंसोल में हमें जो ना हेलो शो हो गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर अगर कोई वेरिएबल हमने यूज किया हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लाइक मैंने लिखा हुआ है लेट वैल्यू इक्वल टू, या हम नेम ले लेते हैं, ठीक है, नेम इक्वल टू पोजिशन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपना वेरिएबल यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरह से यूज़ करता था मुझे कौन बताएगा, जिससे मैं पूछूंगा जी, अवैस बताएंगे हमें। मैं हेलो जीशान प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ कंसोल के अंदर, मैं वेरिएबल किस तरह से यहाँ पर यूज़ करूँगा। जी अवैस वेर से यूज करेंगे। अच्छा कोई और जो बताना चाहे ऐसा। हाँ क्या 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 ऐसा आवाज नहीं समझ रही आप। प्लस नेम आई थिंक सो आप ठीक आंसर कर रहे हो, बट आपकी आवाज़ काफ़ी स्ट्रेंज सी आ रही थी, समझ सी से नहीं आ रही। चलिए हम किसी और से पूछ लेते हैं। आई थिंक सो कि आप ठीक आंसर कर रहे हो। और रियान आप बताओ। ये रियान हमारे तो कोर्स में कोई इनरोल नहीं है, ये कौन है रियान। गुड, मिंटू स्क्रीन टू में भाग गया जी। अरीवा आप बताएं। जी शामीर आप बताएं। प्लस नेम एग्जैक्टली आई थिंक सो ऐसा ने भी यही आंसर किया था, बट हमें समझ नहीं आ रही थी। तो हमारा ये जो स्ट्रिंग होता है इससे बाहर आके हम प्लस से कनकैट करते हैं और इधर अपना वेरिएबल जो है ना यूज कर लेते हैं, ठीक है।
इस तरह से अब हमारा कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा, ये देखो हेलो जीशान। ठीक है, हाँ ऐसा ने भी आई थिंक यही आंसर किया था। अच्छा तो हम इस तरह से इसको कनकेट कर सकते हैं। अब अगर लेट्स सपोज मेरे पास कोई 5 वेरिएबल हैं या 10 वेरिएबल हैं और वो सारे मैंने एक कंसोल स्टेटमेंट के अंदर यूज करने हैं, तो मैं फिर किस तरह से यूज करूंगा? हेलो जिशान, यहाँ पर फिर से स्ट्रिंग में यूज कर लेता हूँ, यू आर सिलेक्टेड, आगे फिर मैं प्लस लगाऊंगा, फिर कोई वेरिएबल यूज कर लूंगा लाइक पीएच लिख लेता हूँ, ठीक है, हालांकि हमारे पास ऐसे ही है बट मैंने वैसे यूज कर लिया। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट अगर मैंने वेरिएबल्स भी यूज करने हैं, स्ट्रिंग भी यूज करने हैं, तो मैं कितनी कितनी बार प्लस लगाता रहूंगा, कितनी बार इनवर्टेड कॉमास लगाता रहूंगा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर, एडवांस के अंदर हमारे पास एक चीज आती है टेम्पलेट लेटर लिटरल, ठीक है, टेम्पलेट लिटरल। अब उसमें क्या होता है कि हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज किए बगैर अपने वेरिएबल्स को कुछ इस तरह से जो है ना यूज कर सकते हैं। अब हम बैक टिक का यूज करते हैं। अब ये बैक टिक आपको कहाँ पे मिलेगा? टैब के बटन के ऊपर, मतलब 1 के लेफ्ट साइड में कि हमारे पास बैक टिक का जो है ना बटन होता है, ठीक है, बैक टिक का बटन दबाएंगे ओपनिंग क्लोजिंग, और इसके अंदर हम ये हमारा बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह वर्क कर रहा है जैसे हमारा इन्वर्टेड कॉमास था। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया जी हेलो, और अब मेरे वेरिएबल जब लिखना है ना तो इसी के अंदर ही मैं डॉलर का साइन यूज करूंगा। अगर किसी ने पीएचपी यूज किया तो पीएचपी के अंदर भी ऐसे ही होता है, डॉलर से हम वेरिएबल को यूज करते हैं। तो डॉलर के साथ अब मैं इसके नेम को यूज करना था, ठीक है जी। तो ये देखो हेलो जीशान हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब जितने मर्जी वेरिएबल्स हो, अब इधर स्पेस डालो, इधर ही दूसरा वेरिएबल लिखो लाइक एज, ठीक है, मैं अगर ऊपर कोई एज नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट एज इक्वल टू 20, ठीक है, ये हमारा हेलो जीशान और 20 ये प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। इस तरह से हम जितने मर्जी वेरिएबल्स लेते जाए टेम्पलेट लिटरल के अंदर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ आइए टेम्पलेट लिटरल की? कोई कंफ्यूजन है तो पूछो जरा, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल। अच्छा जी, आई थिंक सो किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम जो है हम अपना आगे का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। आगे हम देख लेते हैं जरा एरो फंक्शंस को। एरो फंक्शंस हम अपने रिएक्ट जेएस के अंदर या कोई भी आगे फ्रेमवर्क से यूज करते हैं, तो उसके अंदर हमारा सिंपल फंक्शन कभी भी यूज नहीं होता, हमेशा हमारा यूज क्या होता है? एरो फंक्शन यूज होता है। एरो फंक्शन होता है क्या? सिंपल फंक्शन की तरह ही होता है। सबसे पहले हम सब अपना सिंपल फंक्शन लिख लेते हैं, तो मैं अपना फंक्शन बना लेता हूँ एबीसी नाम से, ठीक है, फंक्शन का कीवर्ड, फिर फंक्शन का नेम, स्मॉल ब्रैकेट और फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी फंक्शन की बॉडी लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ दिस इज फंक्शन, ठीक है, इसको मैं इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दूंगा, या मैं इसको बैक टिक में भी क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने बैक टिक में यूज कर लिया। अब इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ ए बी सी, और ये मेरा फंक्शन कॉल हो गया, दिस इज फंक्शन। तो हमारा फंक्शन जो है वो कॉल हो चुका है, ये था हमारा सिंपल फंक्शन। अब मैं अगर बात करूँ एरो फंक्शन की, तो एरो फंक्शन हमारे पास सिंपल ही होता है, इसको हटा दो। अब जिस जी हमारा फंक्शन का नाम क्या है? ए बी सी। तो आपने कॉल जो होगा वो फंक्शन सेम ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है, जस्ट डिफरेंस है फंक्शन का कीवर्ड हटा दो, अब इसको वेरिएबल बना दो, जो फंक्शन का नेम है ना उसे वेरिएबल बना दो लाइक ए बी सी इक्वल टू ये फंक्शन के ब्रैकेट और इसके आगे एक एरो बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा एरो फंक्शन बन गया, जस्ट इतनी सी बात है। अगर आपके एरो फंक्शन में मतलब अगर आपके फंक्शन में सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो आप इन ब्रैकेट्स को भी रिमूव कर सकते, ठीक है, तो ये आपका एक लाइन में आप देखो फंक्शन बच गया, ठीक है, इतना सा फंक्शन अब हो गया, कितना इजी हो गया हमारा फंक्शन हमारे लिए लिखना, ठीक है। अगर लेट्स सपोज हम इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट भी पास करना चाह रहे हैं लाइक मैं 20, 10 और 20 पास कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं इसको गेट भी कर सकता हूँ, ए और बी में मैंने इसको गेट कर लिया। अब अगर मोर देन वन स्टेटमेंट है तो फिर मैं उसके लिए ब्रैकेट्स यूज कर लूंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं कह दूंगा कि मैं सम कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसको डायरेक्ट कंसोल भी करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें ए प्लस बी, ठीक है, ये हमारा 30 जो है प्रिंट, सही है। तो इस तरह से ये हमारा एरो फंक्शन जो है वर्क कर रहा होता है, बिल्कुल सिंपल सा है। जो आपने फंक्शन का नेम लिखा था फंक्शन के कीवर्ड के बाद, फंक्शन का कीवर्ड रिमूव कर दो और जो नेम है उसका एक वेरिएबल बना लो, ठीक है, लेट के साथ उसका नेम लिखा मैंने इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, आर्गुमेंट अगर कोई लेने हैं तो इसके अंदर ले सकते हो, ठीक है, अदरवाइज अब इधर एरो बनाओ और अपनी फंक्शन की बॉडी लिख लो, ठीक है। तो ये इस तरह से बिल्कुल इजी सा एक सिंटेक्स है फंक्शन का।
ये हमारे पास होता है एरर फंक्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं है, एरर फंक्शन इतना ही था। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा था एरर फंक्शन। इसके अलावा हमारे पास होता है एक जावास्क्रिप्ट के अंदर दो चीजें होती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, किसी को आइडिया है इस बारे में? समवन इन द क्लास? किसी को कोई आइडिया नहीं है? अच्छा, आपको वर्ड से देख के क्या लग रहा है, स्प्रेड और रेस्ट? ठीक है, वर्ड को देखते ही अंदाजा हो रहा है। स्प्रेड का मतलब है किसी चीज को फैला देना, ठीक है, किस चीज को स्प्रेड कर देना। और इसी तरह से अगर मैं रेस्ट की बात करूं तो रेस्ट का मतलब है कि जो चीजें रिमेनिंग है। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरा फंक्शन है, यहाँ से मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ और इधर मैं आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, लाइक मैंने 10, 20, 30, 40, 50, ये मैंने 5 आर्गुमेंट जो है ना पास कर दिए। अब यहाँ पर मुझे 5 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे जो इन 5 वेरिएबल्स की वैल्यूज को यहाँ पर गेट करेंगे। ठीक है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये मैंने 5 वेरिएबल ले लिए और इनको बारी बारी मैं सब में सबको ऐड करता फिरूंगा। तो इससे अगर मैं यहाँ पर इन यहाँ पर अगर लिख लेता हूँ, एक तरीका मेरे पास ये होता है कि मैं यहाँ पर आर्गुमेंट्स लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब जब मैं इसको आर्गुमेंट लिख लेता हूँ ना, जस्ट गिव मी अ मिनट, यहाँ पर मैं जस्ट एक कीवर्ड लिख लेता हूँ आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो सारे के सारे आर्गुमेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर मैं फॉर इन लूप लगा के इनको वन बाई वन पिक करके एक्सेस कर सकता हूँ। लाइक मैं ऐसा कह देता हूँ कि वन बाई वन पिक करते जाओ और सम नाम के वेरिएबल के अंदर इसको यूज करते जाओ। ठीक है, अब ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं ये इन सारे डेटा को यूज नहीं करना चाह रहा, लाइक मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पहले वाले को छोड़ दूँ और आगे के जितने भी हैं ना इनको आगे मैं एक्सेस करूँ और इनके सम कैलकुलेट करूँ। ठीक है, अगर तो आपने सिंपल जो है ना सारों को पिक नहीं करना, मतलब सारों को पिक करना है, फिर तो आप उस तरह से आर्गुमेंट का कीवर्ड यूज करके उसके फॉरिन लूप लगा के, फॉरिन लूप बेसिकली क्या करता है, एरे की हर वैल्यू के लिए चलता है, एक एक वैल्यू को पिक करता जाता है और उसको यूज करता जाता है। ठीक है, तो वो जो एक हर बार पिक करता जाएगा और यूज करता जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये पहली वैल्यू को मैं छोड़ दूँ, आगे की जितनी भी वैल्यूज है ना मैं इनको यूज करूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये कहूंगा कि जो पहली पहली वैल्यू है ना, मतलब 10, इसके लिए एक वेरिएबल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ए नाम से। ठीक है, ए नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया और इसके बाद आगे की जितनी भी वैल्यूज हैं, मतलब रिमेनिंग वैल्यूज, रेस्ट वैल्यूज, इनको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा ताकि इस वेरिएबल को मैं आगे यूज कर सकूँ। जैसे मैंने भी बताया ना, आर्गुमेंट्स का मैं वेरिएबल लूंगा, सारी की सारी वैल्यूज उस वेरिएबल में आ जाएंगी। तो इसी तरह से मैं एक वैल्यू मैंने ए के अंदर रख दी, बाकी सारी में उस वेरिएबल के अंदर रखना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर यूज करता हूँ कि रेस्ट जितनी भी है एक वैल्यू इस वेरिएबल में डाल दो, बाकी रेस्ट जितनी है उसको डाल दो एरे नाम के वेरिएबल में। तो मैं इसके साथ 3 डॉट्स लगाऊंगा जब भी किसी वेरिएबल के स्टार्ट में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जब आप किसी भी वेरिएबल के स्टार्ट में 3 डॉट्स लगा देते हो तो इसका मतलब है कि वो एक रेस्ट ऑपरेटर है। ठीक है, जितने भी रिमेनिंग वैल्यूज होती हैं वो वहां पे उसको पिक कर लेता है। लाइक अब मैं अगर बात करूं, अगर मैं यहाँ पर आपको कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग और प्रिंट करके दिखाऊं जी AR, ठीक है, तो अब आपके पास 10 के अलावा जितने भी वैल्यूज हैं, आप देखो हमने 5 वैल्यूज पास की थी फंक्शन को, 10, 20, 30, 40, 50, बट अभी जो हमारी AR है उसके अंदर 4 वैल्यूज है। ठीक है, 20, 30, 40 और 50, तो 10 जो हमारा है वो किसके अंदर स्टोर हो चुका है, ए के अंदर। मैं यहाँ पर वो भी आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, ए, ये हमारा ए के अंदर 10 स्टोर है। और इसी तरह से हमारी जो एरे है AR, हमने वेरिएबल लिया है, इसके अंदर 4 वैल्यू स्टोर है। और दूसरी बात, ये जो हमारा रेस्ट ऑपरेटर होता है ये वैल्यूज को कन्वर्ट कर देता है एरे के अंदर। ठीक है, जब भी हम इसको इसके अंदर स्टोर करवाते हैं वैल्यूज, तो ये वैल्यूज को किस में कन्वर्ट कर देता है, एरे के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैंने इसको यूज करना है ना, मतलब इसका सम कैलकुलेट करना है या आगे कहीं भी इसको यूज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर फॉरिन लूप का यूज कर लेता हूँ, फॉर द लूप वेरिएबल, और कह देता हूँ कि आई इन AR, मतलब AR जो एरे है इसके अंदर जो वेरिएबल में एक पिक कर लेता हूँ आई नाम से, और हर बार जो है वो एक एक वैल्यू को पिक करता जाएगा और हम सम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर मैं वैल्यू अपडेट करता हूँ। तो मैं सम इक्वल टू ले लेता हूँ
जीरो, ठीक है। और यहाँ पर मैं सम की वैल्यू को अपडेट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सम इक्वल टू जो सम की एक्सिस्टिंग वैल्यू है उसके अंदर ऐड कर दो आई को, ठीक है। तो अब पहली बार आई के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी जो कौन मुझे बताएगा, कोई भी बता दो। एग्जैक्टली 20 वैल्यू आएगी, क्योंकि 10 तो हमारी ए में स्टोर हो चुकी है। तो आई इसके अंदर ये जो हमारी एरे है इसके अंदर ये वाली चार वैल्यू होंगी, 20, 30, 40, 50। तो आई में सबसे पहले आएगी जो 20 वैल्यू, और हम उसको यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं और सम के अंदर हम ऐड करते जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा सारी वैल्यूज का सम आई थिंक ये इंडेक्स पिक कर रहा है। लेट मी चेक कंसोल डॉट लॉग करके मैं इसको देखता हूँ आई को, आई हमारा क्या आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ये हमारे इंडेक्सेस आ रहे हैं, ठीक है। आई हमारा जो है ये इंडेक्स पिक कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैंने जब ऐड करवाना है इसको तो सम प्लस सम की एग्जिस्टिंग वैल्यू तो जीरो, इसके अंदर मैं करता हूँ कि एरे का आई इंडेक्स, ठीक है। मतलब एरे की आई का मतलब है जीरो इंडेक्स, पहले जीरो इंडेक्स आएगा। अब देखो यार मेरी बात सुनो, अब जो हमारी ए डबल आर एरे है ना उसकी वैल्यूज है 4, 20, 30, 40, 50, और अगर मैं 20 की बात करूँ तो इसके जीरो इंडेक्स है। जीरो इंडेक्स 10 से स्टार्ट नहीं होगा, 20 से स्टार्ट होगा। मतलब 20 में जीरो इंडेक्स, 30 में वन इंडेक्स, 40 में टू इंडेक्स। व्हाट इज आई हियर, बेसिकली मैंने आपको फॉरिन लूप पढ़ाया था, अगर आपको जावास्क्रिप्ट फॉरिन लूप याद हो तो फॉरिन लूप बेसिकली क्या करता है, आई एक वेरिएबल मैंने ले लिया, ठीक है, आई इन ए डबल आर, मतलब ये जो हमारी एरे है जो रेस्ट ऑपरेटर है ये जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज बचती हैं उनको एरे में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो इस एरे के ऊपर मैं आप यूज कर रहा हूँ फॉर इन लूप। तो ये फॉर इन लूप होता है, ये जिस भी एरे के ऊपर आप अप्लाई करते हो उसकी हर वैल्यू को वन बाई वन पिक करता जाता है, और आगे हम उसको जहां मर्जी यूज करते जाए। जैसे मैंने अभी आपको कंसोल करके दिखाया ना, कंसोल करके मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, कंसोल डॉट डॉग में मैं आई करता हूँ तो ये देखो ये इंडेक्सेस प्रिंट करेगा। ये देखो 10 तो हमारा ऊपर उसने प्रिंट कर दिया जो हमने ये प्रिंट करवाया हुआ था आई को, ए को, ठीक है। तो उसके बाद देखो 0, 1, 2, 3, तो हमारे चार वैल्यूज थी और चार इंडेक्सेस उसने प्रिंट करवा दिया 0 से 3 तक। तो ये आई हमारे इंडेक्सेस को प्रिंट करवा रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि सम के अंदर हर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है ना उसको पिक करता जाए, तो एरे हमारे पास कौन सी है, ए डबल आर। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि सम इक्वल टू सम को अपडेट करते जाओ, सम की एग्जिस्टिंग वैल्यू मतलब अभी के लिए जो जीरो है प्लस ए डबल आर ऑफ आई। तो सबसे पहले ए डबल आर ऑफ आई में कौन सी वैल्यू आएगी, मतलब एरे के जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है 20, फिर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू 30, फिर थर्ड इंडेक्स पे और फोर्थ इंडेक्स पे, ठीक है। मतलब 0, 1 और 2 और थर्ड इंडेक्स पे। तो ये वन बाई वन वैल्यूज आती जाएंगी और सम नाम के वेरिएबल में अपडेट होती जाएंगी, और एट द लास्ट जब हमारा लूप एंड हो रहा है तो उसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करवा देते हैं जिस सम को। तो अब देखो हमारे सम की वैल्यू 140 आ गई, सारी वैल्यूज का सम कैलकुलेट करके उसने हमें दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो है ना रेस्ट ऑपरेटर यूज होता है। किसी का कोई कंफ्यूजन है इसमें? हाँ ठीक है, इसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम स्प्रेड ऑपरेटर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग की वैल्यू पास कर देते, ठीक है। अब यहाँ तो नंबर थे सारे, ठीक है, उनका हम सम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल था कि हम यहाँ पर कोई एक हम नेम पास कर देते, लाइक मैं एहसन पास कर देता हूँ, तो ये हमारा नाम तो सम के अंदर कैलकुलेट नहीं हो सकता ना, तो फिर हमारा ये इशू क्रिएट करना था। तो हम इस पहले एसन वाले को यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे ए के अंदर, और बाकी जो आगे की 10 वैल्यूज हैं, अब सॉरी 5 वैल्यूज, 10, 20, 30, 40, 50, अब ये सारी की सारी इस एरे के अंदर आएंगी। अब एरे के 5 इंडेक्स बन जाएंगे 0 से लेकर 4 तक, और उन सब का सम जो है वो कैलकुलेट करके 160 आई थिंक सो आ जाएगा, 150, ठीक है। तो वो हमें उसने प्रिंट करवा दिया। सर कैन यू प्लीज रिपीट लूप फंक्शन इन जस्ट 3 मिनट्स प्लीज, मैं थोड़ा सा पीछे हूँ। ओके नो प्रॉब्लम। एक्चुअली यार जैसे हमारे पास फॉर लूप होता है ना, मैं यहाँ पर आपको फॉर लूप भी यूज करके दिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ। अब बेसिकली हमारे पास ए डबल आर नाम की एक एरे है, ठीक है, इसके ऊपर मैं फॉर लूप लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ लेट आई इक्वल टू
लेट आई स्टार्ट विद जीरो, आई इज लेस देन एरे की लेंथ कर लेता हूँ कि एरे की जितनी भी लेंथ है ना उतनी बार ये लूप चले, और आई प्लस प्लस, ठीक है। और इस लूप के अंदर मैं कह देता हूँ कि हर बार जो वैल्यू पिक होगी वो तो सम के अंदर अपडेट होती जाए। सम इक्वल टू, मैं कर देता हूँ जी, सम प्लस एरे ऑफ आई। तो हर बार एरे ऑफ आई के अंदर जो भी वैल्यू आती जाएगी उसको सम के अंदर अपडेट करते जाओगे, और लास्ट में सम को मैंने प्रिंट करवा दिया। तो ये देखो 150 प्रिंट हो गया, ये मैंने फॉर लूप का यूज करते हुए किया है। सेम अभी जो मैंने फॉर इन लूप से किया है उसका मकसद जस्ट इतना था कि आपकी थोड़ी थोड़ी उन चीजों की फॉर जो पीछे हम कर चुके हैं वो भी रिपीट होती रहे, ठीक है। तो फॉर इन लूप के थ्रू मैंने कर दिया। फॉर इन लूप क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पर पहले क्या लिया, एक वेरिएबल लिया, फिर कंडीशन चेक की और फिर इंक्रीमेंट लगाया। फॉर इन में हमें ना कंडीशन देनी पड़ती है ना इंक्रीमेंट करना पड़ता है, यही हमें फॉर इन लूप का फायदा है। अगर हमें एरे के साइज का नहीं पता, हमें नहीं पता कि एरे का साइज कितना है, पॉसिबल है कि एरे का साइज बढ़ जाए कम हो जाए, ठीक है, तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए हम फॉर इन लूप का यूज करते हैं कि जितना भी एरे का साइज है वो खुद ब खुद एक एक वैल्यू को पिक करता जाए और उसको यूज करता जाए, हमें उसका साइज बताने की जरूरत ना पड़े। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं आई इन, जो जैसे अभी मैंने वेरिएबल लिया था आई इन ए डबल आर, मतलब इस एरे के अंदर से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और इस वेरिएबल अब ये हर बार वैल्यू इसमें आती जाएगी। पहले जीरोथ इंडेक्स की आएगी, फिर फर्स्ट इंडेक्स की आएगी। जब मैंने फॉर इन लूप पढ़ा रहा था ना तब मैंने आपको बताया था कि ये इंडेक्सेस पिक करता है, ठीक है। तो अब ये सम के अंदर हम इसका इंडेक्सेस जो है ना हर इंडेक्स की वैल्यू को ऐड करते जाते हैं। तो ये हमारा 150 उसने अगेन प्रिंट करवा दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ कि हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि रेस्ट ऑपरेटर ना एंड पे लिखना है। ऐसा नहीं आप कर सकते कि इसके आगे आपने लिख दिया जी ए और पहले आपने रख दिया रेस्ट ऑपरेटर, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। रेस्ट ऑपरेटर का मतलब ये है रेस्ट मतलब रिमेनिंग, तो जितने रिमेनिंग होंगे, अब पहले आपने किसी वेरिएबल में स्टोर ही नहीं करवाया तो रिमेनिंग कैसे हो सकता है, ठीक है। रिमेनिंग तो तभी होगा ना जब जो ऑलरेडी कुछ वैल्यूज आपने वेरिएबल में स्टोर करवाई हुई है और जो बची हुई है वो आप इस वेरिएबल में चाह रहे हो। पहले आपने जितने वेरिएबल मर्जी लेने हैं, आप एक से ज्यादा वेरिएबल ले सकते हो, ए और बी मैंने ले लिया और उसके बाद मैंने आगे रेस्ट ऑपरेटर लगा दिया। तो अब ऐसा जो है ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, 10 बी के अंदर स्टोर हो जाएगा, और बाकी जो तीन वैल्यूज हैं वो हमारी ए डबल आर एरे के अंदर स्टोर होगा। अब मैं यहाँ पर ए भी आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, इसी को जो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और बी भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ, और इसी के साथ ए डबल आर भी प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हमें ऐसा प्रिंट हो गया ए के अंदर, ठीक है, और बी के अंदर हमें जी 10 प्रिंट हो गया, और आगे हमारे चार इंडेक्सेस हो गया जी 20, 30, 40, 50, ठीक है। ये हमारे जो दो थे पहले ये दो वेरिएबल में अंदर स्टोर हो गए। आई होप सो कि आपको ये रेस्ट ऑपरेटर जो है कंप्लीट समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अब हम जरा देख लेते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। अब स्प्रेड वर्ड से ही जाहिर हो रहा है कि चीजों को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है। अब अगर हमारी एरे है उसको हम एलिमेंट्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ऐसे समझ लो यहाँ पर एलिमेंट्स होते थे ना, एलिमेंट्स को हमने कन्वर्ट किया था किसके अंदर, एरे के अंदर। अब सेपरेट ऑपरेटर क्या करता है, एरे को कन्वर्ट करता है सेपरेट एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। अब उसका हम यूज क्यों करते हैं, अब देखो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर मेरे पास एक एरे है, मैं यूज कर लेता हूँ पूरा वर्ड यूज कर लेता हूँ, एरे इक्वल टू, और इसके अंदर मैं कर लेता हूँ जी 200, 300, 400, 500, 500, ठीक है। ये मैंने चार वैल्यूज एरे के अंदर ले ली। अब मैं यहाँ पर इस एरे को पास करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये नेम भी साथ में ले लेता हूँ और इस एरे को भी पास कर देता हूँ। अब मैंने पूरी की पूरी एरे पास कर दी है, ठीक है। और अब लेट्स सपोज मैं इस एरे के अंदर इसको ही पास करता हूँ सिर्फ, या मैं आपको ये चीज भी पहले बता देता हूँ ताकि आपको ये भी समझ आता है। अब मैं इसको पूरी की पूरी एरे मैंने पास की, अब जो पहला पहली वैल्यू थी मतलब हमने देखो आर्गुमेंट इसको दो आर्गुमेंट पास किए, एक तो आर्गुमेंट एसएन पास किया और दूसरा पूरी की पूरी एरे पास की, ठीक है। अब पहली वैल्यू आ जाएगी ए के अंदर और आगे की जो एरे है ना वो पूरी मतलब देखो यार हमारे दो वेरिएबल यहाँ से पास हो रहे हैं और दो वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर है, तो एक चीज हमारी क्लियर है कि इसमें कंफ्यूजन है ही। तो पहला वैल्यू जो है एसन वो तो ए के अंदर स्टोर होगा, दूसरी जो वैल्यू है ना ये है पूरी की पूरी एरे। अब यहाँ पर ये पूरी की पूरी एरे बन जाएगी, अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एरे करता हूँ तो ये मेरे पास पूरी की पूरी एरे एरे इज नॉट डिफाइंड, ये जो मेरे पास
अरे पास करनी है मैंने, ARR पास करनी है। ठीक है जी, अब देखो ये मेरे पास 200, 300, 400, 500, ये पूरी की पूरी एरे यहाँ से मैंने पास की और यहाँ पर मैंने इसको गेट किया, तो मेरी पूरी एरे पास हो रही है और गेट भी हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इस एरे के अंदर कोई नंबर ऐड किया हो, कोई नेम ऐड किया हुआ या इस तरह का कुछ भी, लाइक सलमान मैंने यूज कर दिया जी। ठीक है, अब अगर मैं इसको अकेली एरे आपको पास करके दिखाता हूँ, अब मैंने पूरी एरे पास कर दी और यहाँ पर मैं क्या चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो पहला, अब मैं ये पहली डिजिट को छोड़ के ना, पहले स्ट्रिंग को, आगे वाली जो डिजिट्स है ना इनको ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जी क्या कर दूंगा, एक सबसे पहले तो एक वेरिएबल ले लूंगा और आगे क्या कर दूंगा, रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके इसको एक एरे में स्टोर करवा दूंगा, ऐसे कर सकता हूँ ना मैं। ठीक है, अब कैसे समझा सकता हूँ मैं आपको, ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ पर जो पास कर रहा हूँ ना एरे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके भेज। ठीक है, लाइक मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर, ये होता है मेरा बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर, कि हम इधर ही जब एरे को, हमेशा आपने ये बात याद रखनी है, जब हमारा फंक्शन कॉल हो रहा होता है ना, तब जब हम ये थ्री डॉट यूज करते हैं, ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर होता है, हमेशा स्प्रेड ऑपरेटर कॉल करते हुए यूज होता है। ठीक है, और जब हमारा ये फंक्शन डिफाइन हो रहा होता है ना, तब जो हम बना रहे होते हैं, ये हमारा होता है जी रेस्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये बात तो आपने हमेशा याद रखनी। ओके जी, ठीक है। अच्छा, ये बेसिकली क्या करता है, मैं आपको ना यहीं पे ही एक बार प्रिंट करके एक चीज दिखा देता हूँ, console.log में लॉग जी कर लेते हैं हम। अच्छा, ये हमारी एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास ये 5 जो है इंडेक्सेस हैं। ओके, अब मैं क्या किया है, ये मेरे पास पूरी की पूरी एरे थी और इस पूरी की पूरी एरे को मैंने स्प्रेड कर दिया है। ठीक है, जब मैंने इसको स्प्रेड किया ना, अगर मैं इसको स्प्रेड नहीं करता, ये मेरे पास कैसे शो होगी, ये देखो पूरी की पूरी एरे शो होती है, बट अगर मैं इसको स्प्रेड कर देता हूँ ना, तो ये इसको एलिमेंट्स में डिवाइड कर देगा। ये देखो आपके पास एलिमेंट्स शो हो रहे हैं, सेपरेटेड एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स ने इसमें शो कर दिया। इसी तरह से जब मैं इसको एज अ आर्गूमेंट किसी फंक्शन को कॉल करते हुए पास करूंगा, तो ये पूरी की पूरी एरे को कन्वर्ट कर देगा के अंदर, एलिमेंट्स के अंदर। अब ये मैं पूरी एरे यहाँ से जब पास कर रहा हूँ और इसको मैं स्प्रेड कर देता हूँ, ठीक है, अब मैंने इसको स्प्रेड कर दिया। अब जब मैं इसको यहाँ पर एक्सेस करूंगा, तो इसको मैं फिर एक एरे में कन्वर्ट कर दूंगा। आपका एक बेसिकली पता है मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं आगे एरे में ही यूज करूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको पास कर रहा हूँ, तो मैंने इसको स्प्रेड करके भेजा, क्यों, मैं ऐसा भी तो कर सकता था, मैंने खुद आपको बताया है कि मैं यहाँ पर पूरी की पूरी एरे पास कर देता हूँ और यहाँ से पूरी की पूरी एरे को एक्सेस कर देता हूँ, मुझे स्प्रेड और क्या कहते हैं रेस्ट ऑपरेटर का यूज ही नहीं करना पड़ेगा। क्या मैं ऐसा कर सकता था ना, बिल्कुल कर सकता था, बट अगर मैं रेस्ट ऑपरेटर का यूज ही ना करूँ, तो मैं इनको सेपरेट कैसे करूंगा, मतलब ये मैं ये चाह रहा हूँ ना, मेरी ये एरे है मेरे पास, ठीक है, ये एरे मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, मैं पूरी पूरी एरे यहाँ से पास कर दी और यहाँ पर एक वेरिएबल के अंदर मैंने इसको गेट भी कर लिया। अब इस वेरिएबल, इस एरे के अंदर ये पूरी की पूरी एरे पड़ी है जिसके अंदर ये नेम भी है और ये नंबर्स भी हैं। अब इनको मैं आगे यहाँ पर यूज करना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे नंबर्स हैं इनका मैं सम कैलकुलेट कर लूँ, मैं इसको वेरिएबल को स्किप करूँ, तो मुझे रेस्ट ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और रेस्ट ऑपरेटर, जब मैंने यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर यूज किया ना, अब मैं यहाँ पर पूरी की पूरी एरे नहीं भेज सकता, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने पूरी यहाँ पर एरे भेजी और आगे मैंने रेस्ट ऑपरेटर यूज किया, रेस्ट ऑपरेटर की समझ लगी है ना कि रेस्ट ऑपरेटर क्या कर रहा है, इन वैल्यूज को एक इन इसको अलहदा कर दिया और इस पूरी जो वैल्यूज थी इनको एक अलहदा एरे में स्टोर करवा दिया, क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड था आगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसा सिनेरियो आ सकता है ना कि हमने पहली वैल्यू को जो है ना हटाना है और बाकी के वैल्यूज को यूज करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर, हमें रेस्ट ऑपरेटर तो चाहिए था, तो हम अगर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज ही ना करें, हमने पूरी की पूरी एरे को पास कर दिया, अब देखो यहाँ पर एक एरे बन चुकी है, और ऐसे समझ लो कि ये पूरी की पूरी जो एरे है ना, इसको एज अ वन इंटीजर, ये एज अ वन वेरिएबल गेट कर रहा है, मतलब ऐसा समझ लो वन एलिमेंट गेट कर रहा है। ठीक है, जब हमने इसको स्प्रेड किया ना, तो ये स्प्रेड नहीं हुआ,
ऐसे समझ लो कि जब हमने इसको सेपरेट किया ना इस एरे को, यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का यूज करते हुए, मतलब हमने इसको सेपरेट किया, तब इसने क्या किया, मैं अगर इसको यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ तो मतलब पहली वैल्यू नेम में आ जाएगी और आगे की वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। फिर भी अगर आप देखो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मुझे समझ लग गई। मैं इसको अभी हटाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं पूरी की पूरी एरे पास कर रहा हूँ ना, जब मैं पूरी एरे पास कर रहा हूँ तो वो उसको, इसका माइक ऑन हो गया, एडमिन स्नैन आपका माइक ऑन। अच्छा, जब मैं पूरी एरे पास कर रहा हूँ ना, तब ये पूरी की पूरी उसको एरे गेट ही नहीं कर रहा। अब इसके पास इंडेक्स शो हो रहा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने इस एरे को यहाँ पर पास किया और इसको यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का यूज किया। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, ये आपके पास एरे आई, इसको मैं ओपन करता हूँ, इसके चार इंडेक्स नहीं ओपन हुए, इसका जीरो इंडेक्स ओपन हुआ है। उस जीरो इंडेक्स पे आगे ये चार पांच वैल्यूज पर, समझ आई? अब तुम इसके ऊपर रेस्ट ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक है? रेस्ट ऑपरेटर तब अप्लाई करते हैं ना जब हमारे पास ये एरे आती है, हमारे पास एरे नहीं आ रही। ऐसे समझ लो कि एरे एक जीरो इंडेक्स जा रहा है और जीरो इंडेक्स के अंदर पूरी एरे पड़ी है। अब मैं इसको स्प्रेड करके भेजूंगा, जब मैंने इसको स्प्रेड करके भेजा, अब ये एरे पूरी की पूरी शिफ्ट नहीं हो रही, अब ये एरे सेपरेट होके जा रही है, मतलब सेपरेट एलिमेंट हो गए। ये अब एलिमेंट्स जब जाएंगे ना, अब यहाँ पर हम गेट कर सकते हैं पहले के एलिमेंट को। पहले एलिमेंट को गेट करना है ना, तो अब मैं यहाँ पर नेम में गेट कर लेता हूँ। अब नेम में मेरा पहले एलिमेंट आ गया और आगे के जो रिमेनिंग है वो मैंने सेपरेट ऑपरेटर के थ्रू एरे के अंदर स्टोर करवा दिया। अब हमारा ठीक होगा, ये देखो अब हमारे चार इंडेक्स आ गए, अब हमारा जो पहला इंडेक्स था नेम के अंदर स्टोर हो गया। समझ आए किसी को? समझ आ गई आपको? समझ आई है कि नहीं आई? क्लास में अवेलेबल हो आप लोग? जी एसन, भीमशेफ अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। ये इनका मतलब क्या, हम यूज किस लिए कर रहे हैं सेपरेट ऑपरेटर और ये रेस्ट ऑपरेटर? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एक्चुअली सुबह से यही समझा रहा हूँ, शायद आपको समझ नहीं आई सही से। देखो, मैंने जैसे एक एग्जांपल भी दिया आपको, कंफ्यूजन है बट थोड़ा बहुत समझ आ गई है। यार, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया ना कि हमने यहाँ पर कुछ आर्गुमेंट्स पास किए, ठीक है, मोर देन वन आर्गुमेंट पास किए, लेकिन वो सारे के सारे जो आर्गुमेंट्स थे ना, उसके अंदर एक हमारे पास था, मतलब हम ये चाह रहे थे कि हम यहाँ पर पूरी एरे पास करें, हमारे मोर देन वन वैल्यूज थी। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं यार, जब हमारा डेटा एपीआई से आ रहा होता है तो हमारी 50 वैल्यूज थी जो हम यहाँ से भेजनी थी आर्गुमेंट, ठीक है? तो जब हम 50 वैल्यूज यहाँ पर वन बी वन तो नहीं भेज सकते, हम क्या करेंगे, हम 50 वैल्यूज को एक एरे में स्टोर करवा देंगे और पूरी एरे यहाँ से पास कर देंगे। तो जब हम एरे यहाँ से पास करेंगे ना, तो अब एरे को हम यहाँ पर गेट तो कर लेंगे, पूरी एरे यहाँ से पास की, पूरी एरे यहाँ पर गेट कर ले कर सकते हैं, नो इशू। बट अगर उस एरे में से कुछ नंबर स्ट्रिंग है और कुछ नंबर है, ठीक है, बट हम क्या चाह रहे हैं कि स्ट्रिंग वालों को मैं स्किप कर लूँ और जो मेरे नंबर्स हैं उनको मैं गेट करके आगे उनका सम कैलकुलेट कर लूँ या कुछ भी परसेंटेज कैलकुलेट कर या कुछ भी करूँ, मैं उनको सेपरेट नहीं कर सकता अगर मैं रेस्ट ऑपरेटर का यूज नहीं करता, ठीक है? अब जब मैं उनको सेपरेट करना चाहता हूँ, मैंने क्या कहा, यार जो पहला इंडेक्स है, जो पहली वैल्यू है वो नेम के अंदर स्टोर कर दो, जो बाकी के रिमेनिंग है वो सारी की सारी मैंने स्प्रेड ऑपरेटर लगा के, सॉरी रेस्ट ऑपरेटर, और इस एरे के अंदर स्टोर करवा दी ए डबल आर के अंदर। अब ये सारी ए डबल आर के अंदर स्टोर हो गई है, अब इनको आगे मैं जिस तरह अपनी मर्जी से, वो भी एक एरे बन चुकी है, अब इसको अपनी मर्जी से मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है, गुड। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ, पूरी एरे पास करूँ, तो जब ये जैसे मेरे पास एरे थी ना ये वाली, अगर मैं इसको यहाँ से एरे को पास कर रहा हूँ ना, तो ये मेरी स्प्रेड नहीं होती, ये सॉरी यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जब एरे है ना, ये एरे को एक पूरा का पूरा वेरिएबल बना के, यानी कि ऐसे समझ लो इस एरे नाम के वेरिएबल के अंदर ये पूरा की पूरी एरे पैक होके चली जाती है। अब यहाँ पर ये हमारी एरे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती, इस पर रेस्ट ऑपरेटर लगता नहीं है,
क्योंकि ये ऑलरेडी एक इंडेक्स के ऊपर पड़ी होती है, तो हम इसको स्प्रेड करके भेजते हैं। यानी कि ऐसे समझ लो एरे को, जैसे यार मैंने आपको यहाँ पर कंसोल करके दिखाया था कि जब हम एरे को स्प्रेड करते हैं तो वो एरे ना करके वो हमारे पास एलिमेंट्स बच जाते हैं।